थोड़ा लाइट इशू होगा तो माफ़ करो, लेकिन आज ये जो वीडियो है ये स्पेशल वीडियो है मैदान के कलेक्शन के ऊपर, और डे वन कितना हो सकता है, लाइफ टाइम कितना हो सकता है, और क्यों मैदान एक ऐसी फिल्म है जो अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। और यहाँ पे देखो, जिनको आप निगेटिविटी फैलाना है फैलाओ, आई डोंट केयर, मैं दोनों भी फिल्मों को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैं कुछ मेरे पॉइंट्स हैं ना उनके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि मैदान का हाइप नहीं है, उनको मैं यहाँ पे जवाब दूंगा कि क्या दंगल मूवी का हाइप था, सोच के बताना, क्या उतना हाइप था कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ गए उस टाइम पे? वर्ल्ड वाइड में तो 2000 करोड़ गई है, वो तो भाई वर्ल्ड वाइड पे तो कुछ लोगों को डाउट है उसके, तो वो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन क्या उस टाइम तक कोई भी एक्शन मूवी भी कुछ 387 करोड़ नहीं गई थी हिंदी में, करेक्ट है? वो बाद में छोड़ो, वो पठान जवान, पर उस टाइम तक गई थी क्या कोई भी मूवी? क्या किसी ने सोचा था कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, वो भी एक ओलंपिक वाली फिल्म, मतलब हम बात करते हैं बार बार, जो हमारा टॉपिक आता है वो क्रिकेट पे आता है, अगर मैं लॉजिक से बात करूँ तो कंटिन्यूटी भारत में एक ही गेम चलता है, वो है मोस्टली क्रिकेट। हाँ, आजकल डेफिनेटली अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने पैसा ओलंपिक में वगैरह लगाया है, तो रिज़ल्ट आए ओलंपिक में लास्ट के 60-70 सालों में, लास्ट के जो 5-10 सालों में आए हैं, ट्रॉफ़ीज़ बोलो, जो भी वो मेडल्स वगैरह है, वो बहुत तगड़े आए हैं, मैं एग्री करता हूँ। बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्या उस टाइम पे जब आमिर खान की वो फिल्म थी, ठीक है आमिर खान का हाइप था, आई एग्री, पर 29.8 करोड़ का उसने ओपनिंग किया था, और मुझे याद है शायद 29-30 करोड़ का, और शायद वो क्लैश में नहीं आई थी, और उन टाइम पे भाई पैसे उतने ज़्यादा नहीं लेते, मतलब डालते थे लोग भी फिल्म में देखने के लिए, करेक्ट है? आज के टाइम पे और उस टाइम का थोड़ा ये अलग है। मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं हाइप कम है, हाइप नहीं है, उनको ये मैंने जवाब दे दिया, क्या दंगल का उतना हाइप था? लॉजिक से सोचो ज़रा। वैसे तो उसने धूम 3 का भी रिकॉर्ड तोड़ा था, हालांकि धूम 3 का हाइप दंगल से ज़्यादा था। अब मैं यहाँ पे आमिर वर्सेस आमिर ही कर रहा हूँ, सच में ज़्यादा था, पर तोड़ा किसने? दंगल, मतलब कंटेंट ने वर्क किया था, करेक्ट है? यहाँ पर आमिर वर्सेज़ आमिर की बात कर रहा हूँ। हाँ, कंटेंट कैसे वर्क करता है ये भी देखो, गोल्ड वर्सेस सत्यमेव जयते आई थी, सत्यमेव जयते जो मूवी है वो थी एक्शन मूवी और गोल्ड थी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, गोल्ड ब्लॉकबस्टर हो गई थी, मतलब गोल्ड ने आई थिंक सत्यमेव जयते से दुगना कलेक्शन किया था, वो भी एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी। यहाँ पर मैं अक्षय की भी बात कर रहा हूँ। अब आते वो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसने भी अच्छा खासा बिजनेस किया था, जहाँ पे SSR का करियर उतना कलेक्शन नहीं कर रहा था फिल्मों का, लेकिन भाई उसने कर दिया था। अब ये मत बोलो PK में भी था SSR, वो मेन लीड रोल नहीं था, तो मैं वो ओवरऑल बोल रहा हूँ, तो वैसे कल करियर नहीं चल रहा था, लेकिन वो हाइएस्ट ग्रॉसर बन गई थी उसकी, वैसे देखा जाए तो कट टू कट, छिछोरे से पहले आई थी ना आई थिंक वो, तो वो बन गई थी, उसने अच्छा कलेक्शन किया था। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों को लोग ध्यान नहीं देते ये मत बोलो रे, ये मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप लोगों पर है, किसको क्या कहना है, किसी को कितना क्रिटिसाइज़ करना है करो, लेकिन ऐसी फिल्में ना यार अनप्रेडिक्टेबल होती है, जब कोई बड़ा एक्टर आता है ऐसी फिल्मों में। हाँ, स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में फ्लॉप भी होती है, मैं भी बोलता हूँ ये चीज़, लेकिन जब बड़ा एक्टर नहीं होता है तब अच्छी तरीके से उसका प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन जब भी कोई बड़ा एक्टर हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमने देखा है चक दे इंडिया वॉज ब्लॉकबस्टर, करेक्ट है? सुल्तान, वो भी स्पोर्ट्स था ना उसमें भी, करेक्ट है? तो वैसे यार आप नहीं बोल सकते हो कि कोई भी फिल्म को कि ये बिल्कुल ही नहीं चलेगी, ये होगा वो होगा, क्या पता, तो कंटेंट मैटर करता है यार, आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि नहीं चलेंगे, वो तो वक्त बताएगा ना। मैं यही कहने वाला कि मेरा दोनों को भी सपोर्ट है। हाँ, हो सकता है कि मैदान का जो डे वन है वो शैतान जैसा हो, शैतान का 15 करोड़ था, इसका उतना तो होगा ही मुझे लगता है, 15 आराम से कम मुझे लग रहा है, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, एडवांस बुकिंग कितना होता है उस पर डिपेंड करता है, पर भाई क्या, क्योंकि आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि एक महीना या डेढ़ महीना कोई बहुत बड़ी फिल्म आ नहीं रही है, अगर मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को पैरेलल में रखूं तो वो दोनों क्लैश हो रही है, लेकिन उसके बाद कोई भी, कल की भी शायद पोस्टपोन हुई है, तो एक डेढ़ महीना कोई फिल्म ही नहीं आ रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मूवी नहीं चलेगी यार? और ऊपर से शैतान का जो सक्सेस है वो मैदान को भी थोड़ा तो काम आएगा भाई, आप ये भी तो देखो कि अजय की पिछली फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, तो वो भी एक असर होता है यार। और यहाँ पे ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैदान वाला नहीं एंगल ला रहा हूँ मैं, ये स्पेशल वीडियो ऑन मैदान है, तो सोचो इस बारे में कि जो स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में थी क्या उनकी हाइप थी क्या? चक दे इंडिया तो उस टाइम पे कलेक्शंस की बातें ही नहीं होती थी ज़्यादा, पर आज कल की भी बातें आप देखो, गोल्ड का हाइप,
या फिर दंगल का हाइप। अरे उतना नहीं था रे कि भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी दंगल, उतना नहीं था ना। तो वो भी सोचो फिर तो आप उल्टा, मैं तो कहूँगा कि मैदान का हाइप उनसे तो ज़्यादा है। आप थोड़ा सोचो कि मैदान के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बहुत सी फिल्में स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में ना उनकी डिस्कशन ही नहीं होती। सोचो यार इस बारे में। बाकी आप लोगों पर है, मूवी चलेगी नहीं चलेगी ये तो फैंस पर है और न्यूट्रल ऑडियंस पे है। पर वो एक बोलते हैं ना कि एक एक शांति से की गई फिल्म उस टाइप की कि आती है और एकदम अचानक से तूफान हो जाता है बाद में, तो द साइलेंट किलर बोल सकते हो आप मैदान को, कुछ भी हो सकता है भाई।